26 जनवरी यानी कि आज किसानों वालों बड़े पद्धर से दिल्ली च ट्रैक्टर परेड कढ़ी गई है। किसानों ते पुलिस विचाले इस दौरान झड़पां भी हुई ने, जिस तों बाद गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च पद्धरी मीटिंग सदी। इस मीटिंग च गृह सकत्तर ते दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी मौजूद रहे। बैठक तो बाद फैसला लिया गया कि दिल्ली च नी फौजी बलों दियां 15 टुकड़ियां ते सीआरपीएफ दियां 10 टुकड़ियां तैनात कीतियां जाणगियां। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जवानों नूं निर्देश दिते कि वह प्रदर्शनकारियों नाल पूरी ताकत नाल मुकाबला करन। इन्ना ही नहीं, उन्हें यह भी कहा कि जवान प्रदर्शनकारियों नाल पूरी सख्ती नाल निजिठण। उत्थे ही इंडिया गेट वल जाण वाले सारे रस्ते बंद करन दा भी फैसला किया गया है। दस दें कि आला पुलिस अधिकारियों नाल बैठक च गृह मंत्रालय ने दिल्ली च हुई हिंसा नूं लैके चर्चा की है। गृह मंत्रालय ने अंदरूनी सुरक्षा फोर्स नूं अलर्ट रहने लई कहा है। बैठक च अमित शाह ने दिल्ली के हालात ते सारी जानकारी ली है। उत्थे ही लाल किले वल वड्डी गिणती च फोर्स भी भेजी जा रही है। इन्ना ही नहीं, दिल्ली च इंटरनेट सेवा भी सस्पेंड कर दी गई है ताकि कोई भी शरारती अंसर अफवाह ना फैला सके। दस दी कि कुछ नौजवानों वालों लाल किले ते झंडा लहराया गया सी, जिस तों बाद केंद्रीय मंत्री ने उच्च अधिकारियों नाल मीटिंग करके वड्डे फैसले किए ने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाबी लोक चैनल।